दोस्तों, ये हराम खोर इस राशन की गाड़ी में चढ़कर काफी बोरियां उतार लेते हैं और अपनी फटफटियां में लाद कर ले जाते हैं। और यहाँ राशन वाला अपने अड्डे पर आकर अपने वर्करों से कहता है कि बोरियां चेक कर लो, और जब वो बोरियों की गिनती करते हैं तो उनमें सिर्फ 80 बोरी ही होती है। तो वो राशन मालिक को बताते हैं, तो राशन मालिक कहता है कि मैंने खुद अपने सामने सारी बोरियां गिनकर रखवाई हैं, तो फिर ये 20 बोरी कहां गईं? और ये हरामखोर पास की ही एक दुकान में आकर कहते हैं कि भाई हमें सरकारी राशन बेचना है, हमारे घर पे बहुत कम लोग हैं और ये राशन एक्स्ट्रा है हमारे लिए। तो दुकानदार को थोड़ा गड़बड़ लगता है और वो उनसे कहता है कि ठीक है, आप लोग अंदर बैठिए, मैं राशन चेक करके बताता हूँ। और इतने में दुकानदार ने राशन मालिन को फोन कर दिया। फिर जो हुआ वो आपको हैरान ही कर देगा, लेकिन उससे पहले, एक तरफ आपकी माँ डूब रही हो और एक तरफ आपका पैसा, दोनों में से आप किसे बचाओगे? मेरी तरह माँ को बचाने वाले हमें फॉलो करके वीडियो को लाइक और कमेंट में लव यू मॉम जरूर लिखें। फिर वो दुकानदार आकर इन हरामखोरों को खूब पीटता है।